तो है गाइस, वेलकम बैक टू RDX गेमिंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले जेड की स्किल्स के बारे में। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को यह बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन से चैम्पियन के ऊपर प्रॉपर गाइड वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं जेड की पैसिव स्किल्स के बारे में। इसमें जब एनिमी के चैंपियन की जो HP है वह 50% से कम होती है तो जेड का जो ऑटो अटैक होता है वह एडिशनल मैजिक डैमेज देता है एनिमी के चैंपियन को, और यह एडिशनल मैजिक डैमेज एनिमी के चैंपियन की मैक्सिमम हेल्थ का 7% होता है। इसके अलावा जो एडिशनल मैजिक डैमेज है वह एनिमी के चैंपियन को एक बार लगने के बाद फिर से 10 सेकंड के कूलडाउन के बाद वापस दे सकता है जेड। नेक्स्ट, जेड की फर्स्ट स्किल रेजर सुरिकन। इसमें जेड अपने दो सुरिकन्स को एक लेन में फेंकता है, और अगर लेन के अंदर कोई एनिमी का चैंपियन होता है और उसको ये सुरिकन हिट करते हैं तो उसको फिजिकल डैमेज देते हैं। इसके अलावा अगर लेन में एक से ज़्यादा चैंपियन है तो जिसे ये फर्स्ट हिट करेंगे उसको ज़्यादा डैमेज देंगे अदर्स की तुलना में। इसके अलावा जब लिविंग शैडो एक्टिव होती है और इस स्किल का यूज़ किया जाता है तो उसकी जो शैडो होती है वह भी सुरिकन्स को फेंकती है। नेक्स्ट, इसकी सेकंड स्किल लिविंग शैडो, जिसके दो इफेक्ट है, पैसिव इफेक्ट एंड एक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्टिव इफेक्ट की। इसमें जेड एक शैडो को आगे की ओर सेंड करता है जो कि 4.5 सेकंड के लिए रहती है, और जब जेड की यह शैडो एक्टिव रहती है और जेड अपनी फर्स्ट या थर्ड स्किल को यूज़ करता है तो उसकी जो शैडो होती है वह भी सेम स्किल को यूज़ करती है, वह एनिमी या टारगेट को सेम डैमेज देती है। इसके अलावा जब जेड की शैडो एक्टिव रहती है और जेड की सेकंड स्किल के आइकन को फिर से हम प्रेस करते हैं तो जेड अपनी जो शैडो होती है उसके साथ पोजीशन को स्विच कर लेता है। इसके अलावा जेड के नीचे की ओर आपको एक एरो का मार्क दिख जाएगा जो उसकी शैडो की डायरेक्शन को बताता है, और अगर आप अपनी शैडो से दूर है तो यह रेड हो जाता है। इस स्थिति में आप जेड की शैडो के साथ जो पोजीशन होती है उसको स्विच नहीं कर पाते। अब बात कर लेते हैं पैसिव इफेक्ट के बारे में। जब जेड की शैडो एक्टिव होती है और जेड अपनी फर्स्ट या थर्ड वाली स्किल को यूज़ करता है तो जेड अपनी एनर्जी के एक पार्ट को रीगेन करता है। साथ ही ये एनर्जी रीगेन ईच स्किल के लिए एक ही बार होता है। मींस अगर आप जेड और उसके शैडो के साथ एक साथ 5 एनिमी पर अपनी स्किल को यूज़ करते हैं फर्स्ट या थर्ड वाली को तो सिर्फ एक एनर्जी का पार्ट ही रीगेन होगा। नेक्स्ट, जेड की थर्ड स्किल शैडो स्लैश। इसमें जेड एग्जीक्यूट करता है स्पिनिंग स्लैश को जो कि एनिमी के चैम्पियन को फिजिकल डैमेज देता है जो चैम्पियन इसकी रेडियस के अंदर होते हैं। साथ ही स्पिनिंग स्लैश के द्वारा एनिमी को हिट किया जाता है तो एनिमी की मूवमेंट स्पीड 1.5 सेकंड के लिए स्लो हो जाती है। इसके अलावा अगर एनिमी को जेड की शैडो द्वारा स्पिनिंग स्लैश किया जाता है तो जेड की सेकंड स्किल का जो कूलडाउन टाइम होता है वह 2 सेकंड कम हो जाता है। मीन्स अगर आप 3 टाइम्स उसकी शैडो द्वारा स्पिनिंग स्लैश करोगे तो उसका जो कूलडाउन टाइम होगा सेकंड स्किल का वह 6 सेकंड तक कम हो जाएगा। लास्ट, जेड की अल्टीमेट डेथ मार्क। इसमें जेड अपनी शेडो को पीछे छोड़ता है और एनिमी के चैंपियन यानी कि जो टारगेट होता है उस पर मूव करता है और फिर उस पर एक मार्क छोड़ देता है। यह मार्क 3.5 सेकंड के बाद में ट्रिगर हो जाता है और एनिमी के चैंपियन को फिजिकल डैमेज देता है। जेड द्वारा उसके अल्टीमेट के यूज़ पर छोड़ी गई शेडो होती है वह 6 सेकंड तक रहती है, और जब जेड अपनी अल्टीमेट को अगेन क्लिक करता है तो वह अपनी शेडो के साथ पोजीशन को स्विच कर सकता है।
इसके अलावा जेड के अल्टीमेट यूज़ करता है तो जेड के नीचे की ओर एक एरो का मार्क दिख जाएगा जो कि उसके शेडो की डायरेक्शन को शो करता है। अल्टीमेट शेडो और सेकंड स्किल की जो शेडो होती है उसमें अंतर यह होता है कि अल्टीमेट शेडो में जेड और उसकी शेडो के मध्य अधिक डिस्टेंस इफेक्ट नहीं करती है पोजीशन स्विच करने के लिए। तो गाइस ये थी जेड के सभी स्किल और स्किल लेवल ऑफ प्रायोरिटी कुछ इस टाइप से है, तो इसके लिए वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लेना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन से चैंपियन के ऊपर प्रॉपर गाइड वीडियो चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take.